बहुत हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं, तेरी पाप हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं। हर घड़ी हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं, तेरी पाप हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं, तेरी पाप हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं। यीशु तू नबी है, यीशु तू कफारा है, यीशु तू नबी है, यीशु तू कफारा है, तेरे खून की बूंदों से तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं, पाप हजूरी का बकायदा आगाज करेंगे। इससे पहले कि मैं अनाउंस करूं, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं खुदा के खादम प्रिंसिपल साहब सर चिराग रोशन साहब को दावत होगी कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे और आज के सारे प्रोग्राम को खुदा के हाथों में देते हुए तमाम पेरेंट्स को तमाम गेस्ट को खुदा के ताबिया करेंगे। हालेलुया प्रेज खुदा यीशु से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस मौसम के लिए, सारी टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, खासकर हमारे बिशप साहब के लिए कि खुदा यीशु से आपने अपने बंदा को सेहत तंदुरुस्ती अता की है और सारा जलाल खुदा यीशु मसीह के बेटे को देते हैं कि जिसकी खुशी जिसकी पैदाइश आज हम जोश के साथ और बड़े होश के साथ मना रहे हैं। खुदा यीशु मसीह हमारे छोटे से अदारे को एलसोड़ा स्कूल के लिए बरकत चाहते हैं, उन बच्चों के लिए जो सीख रहे हैं,
खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जैसे जैसे रोज खून और गोश्त में बढ़ते हैं उसी तरह रूहानी कामों में भी बढ़े और आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद यीशु मसीह नेशनल न्यूज नामा के लिए, उनकी टीम के लिए, बाबर इमैनुअल के लिए, तारक प्यारा के लिए, उनके चीफ के लिए, खुदावंद यीशु मसीह हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आए जिन्होंने वक्त दिया खुदावंद तो उस कंपनी को सुधारे को और ज्यादा बढ़ा। और भी खुदावंद यीशु मसीह जितने यहाँ भाई हैं आपके गॉस्पल सिंगर के लिए खुदावंद उनके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पास्टर यूनस के लिए, सदीक साहब के लिए, खुदावंद नाम बनाम जितने यहाँ मौजूद हैं एक एक को बड़ी बरकत दे। अपने टीचर्स के लिए जो मीटिंग को लीड कर रही है खुदावंद ने और ज्यादा हिकमत दिलाई और फहम ताकर ताकि ये प्रोग्राम जो है वो आपके जलाल के लिए हो। खुदावंद यीशु मसीह सारे इंतजाम को आप कंट्रोल कीजिए, बच्चों को अभी जो टैबलो करने वाले हैं, जो सॉन्ग गाने वाले हैं, जिन्होंने वर्सेस पढ़नी है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन्हें अभी उनके ज़हनी तौर पर तकबीर अदा कीजिए। इस सारे माहौल को यीशु मसीह आपके सुपुर्द करते हैं, इस इलाका के लिए बरकत चाहते हैं जहां आपने हमें खड़ा किया हुआ है। खुदावंद हम कुछ भी नहीं है, कमजोर है, लेकिन जब आप में आ जाते हैं तो कुवत को पाते हैं, ताकत को हासिल करते हैं। खुदावंद यीशु जी यहां इस जगह को बाबरकत हमेशा रहे, आपका जलाल हो, आपके एंजल्स को मांग लेते हैं पाक रिश्तों की बाढ़ इस प्रोग्राम को, इस जगह को हमेशा आगे पीछे दाएं बाएं से घेरे रहे और अब्लीस की देखी ना देखी सारी तस्वीरें यीशु मसीह के नाम से। प्रोग्राम का आगाज शुरू ही से यीशु मसीह आपके नाम से हुआ है और ये प्रोग्राम आपका है, हर किस्म के बाद हमें से बचा के महफूज रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में मसीह के बाबर के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपके सामने ज़बूर 103 की तिलावत करूंगी, उसकी पहली 3 आयात। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। आमीन। राजा का जन्मदिन है। मेरा पहला सवाल है, यीशु के माँ बाप का नाम क्या था? कौन जवाब देगा? सिर्फ खड़े होकर जी। मरियम और यूसुफ। वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग के साथ। इंसानी रूप लेकर इस दुनिया में आ गया क्योंकि वो गलती, वो गुनाह, वो जुदाई जो बागे अदन में आदम और हवा के वसीला से हो चुकी थी, खुदा और इंसान के दरमियान वो जुदाई आदम और हवा के गुनाह करने के वसीला से, वो फल खा लेने की वजह से हुई। तो खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को इंसान की रूप देकर इस जहान में भेज दिया ताकि इंसान का और खुदा का मिलाप फिर से हो सके। और 25 दिसंबर को हम खुदावंद यीशु मसीह की बर्थडे मनाते हैं। क्या आप सबको मालूम है? जी बच्चों,
25 दिसंबर को खुदावन्द यीशु मसीह की हम बर्थडे मनाते हैं। करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक हैं। 49वीं पढ़ देता हूं, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते पुष्ट दर पुष्ट रहता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। खुदा खुदा क्रिसमस प्ले है। यूसुफ जो है वो दाऊद इमरान बच्चा करदार कर रहा है और मदर मेरी का सुनीला सज्जाद, एंजल जवेरिया, शपनाया बेटी, शिकायना जमील, मरियम, एना, शिकायना, अभियाना, ये बच्चे आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत टैबलो पेश करेंगे। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम है तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ। और इस सलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर,
क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस वक्त से वो मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, तेरे लिए मेरे कोर के मुआफिक। खुदा का बंदा। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्त पास था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। भाइयों, मैंने सुना है दाऊद के शहर में मुन्ना जी पैदा हुआ है। हाँ, हमने भी सुना। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौके चमका और वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई आई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद तो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुला। बेखोल कर खुदा में यीशु अल मसीह को वो तहाई पेश किए जो वो अपने साथ लाए थे।
हमेशा दिल को देखता है कि हमारे दिल के अंदर क्या है। और आज मैं छोटे बच्चों को देखकर बड़ा खुश हुआ कि जो छोटी सी तगोदो की थी, कोशिश की, मैं आज उन सब बच्चों को देखकर प्रोग्राम करते हुए, मुख्तलिफ करेक्टर करते हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं और जब मैं ऊपर क्लासरूम में जाता हूँ, जब दुआ करते हैं तो उस वक्त मेरा दिल बड़ा शुक्रगुजारी से भर जाता है कि ये बच्चे जो हैं, ये हमारी कौम के बच्चे हैं। मैं और विश्व साहब अक्सर इन बच्चों के बारे में सोचते थे, देखते थे को, लेकिन दुख होता था कि ये पढ़ते नहीं है, गलियों में घूमते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, नेटल चीजें सीख रहे हैं, लेकिन ये खुदा की मर्जी से अब हुआ। क्योंकि यहां बहुत सारे, मैं ईमान रखता हूं कि इस इलाका में बड़े बड़े खुदा के खादिम हैं, खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी हुई है, लेकिन हम छोटों को खुदा ने इस्तेमाल किया कि इस जगह को, इस इलाका को खुदा आगे बढ़ाना चाहता है। और यहाँ एक बड़ी खास बात जो अंजील के साथ रिलेटेड है, वहां लिखा गया यरूशलम तू छोटा नहीं है। ये जगह जो है, यहाँ जो खुदा ने एक बीज बोया है, ईमान रखते हैं कि आने वाले वक्त में, दिनों में, सालों में खुदा इस जगह को और ज्यादा बाबरकत बनाएगा। जब ये छोटे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, इनमें से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो खुदा के खादम बनेंगे और अपने माँ बाप के लिए वो एक मजबूत चट्टान बनेंगे जो उनको आगे लेकर चलेंगे। और इन बच्चों को जो सिखा रही हैं, वो टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ। मैं जब ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ, तो मैं बड़ा खुश भी होता हूँ और फिर टीचर्स के लिए उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि मैं थोड़ी देर वहां खड़ा होता हूँ, बच्चे शरारती कर रहे होते, एक दूसरे को मारते हैं, कोई इधर कोई उधर, और टीचर्स 3-4 घंटे उन बच्चों के साथ रहती हैं और उनको देखती है कि कैसे उनको सिखाना है और कैसे उनको डांटना भी है। और मैं हमेशा उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने उनको मारना नहीं, हमको प्यार करें, छोटे हैं, सीख जाएंगे, इनकी उम्र है शरारते करने की, लेकिन थोड़ा सा इनको और करें और इनकर्ज करें ताकि ये स्कूल आए और मतवात और रेगुलर आए सीखें। मैं सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। बिशप साहब बड़ी अंथक मेहनत करते हैं, सुबह शाम जब स्कूल सुबह ओपन करना होता है तो बड़े कोशिश से, बड़े स्ट्रगल के साथ बच्चों को भी डील करते हैं, पेरेंट्स को भी डील करते हैं, टीचर्स को, फिर हमारे गेस्ट भी रोज आते रहते हैं। तो खुदा ने बड़ी हिकमत के साथ अपने बंदा को खड़ा किया है जो सारे इंतजाम को कंट्रोल करते हैं। मैं तो आता हूँ उस वक्त जब स्कूल लगा हुआ होता है, लेकिन वो बिशप साहब सारे काम को कंट्रोल करते हैं। उनके साथ रईस भाई हैं, वो भी बड़ी कोशिश करते हैं, मेहनत उनकी सारे टीचर्स के लिए, पास्टर बाबर साहब के लिए, पास्टर सदीक साहब, पास्टर भट्टी साहब हमारे दोस्त हैं, जो सारे पीछे कुछ लोग जो बैकअप में होते हैं, जो सिस्टम को चला रहे होते हैं, उनमें वो लोग भी हैं, नासिर भट्टी साहब, बाबर साहब, और भी बहुत से दोस्त हैं, सदीक साहब, आसिफ साहब, जो सारी टीम को लेकर चलते हैं। आगे फ्रंट में तो हम हैं, लेकिन पीछे काम करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। और आज हम शुक्रगुजार हैं हमारी सिस्टर मोना और उनकी भाभी फरजाना, जिन्होंने आज खाने का इंतजाम किया है आपके लिए, जो बिशप साहब लेके आ गए हैं, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि खुदा उनके खानदान को उनको बरकत दे। और आप सबको जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो आप इस प्रोग्राम को देखने के लिए हैं, आपका भी शुक्रगुजार हैं और आपकी फैमिली के लिए बरकत चाहते हैं कि खुदा इसी तरह ये खुशियां हर साल आप क्रिसमस की मनाते रहे। हमारे प्यारे बड़े पास्टर साहब, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, पास्टर यूनुस साहब है, हमारे भाई असलम साहब है पीछे बैठे, एक हमारे लीडर आज आए नहीं, उनके लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदा उनको चौधरी बूटा साहब के साथ हो। हमने उनको इनवाइट तो किया था, लेकिन वो शायद कहीं बिजी है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ मिलके इस अदारे को चला रहे हैं। आप सबकी दुआओं की हमें जरूरत है और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बड़े अच्छे गीत गाए आपने, बड़े खुदा ने आपको अच्छी तोड़ा दिया कि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और उससे छोटे भाई का जो यूसुफ भी है, बड़ा अच्छा उसने ऑपरेट किया उसको, मैं देख रहा था, दाऊद बड़ा अच्छा है और बड़ा करेक्टर उसका अच्छा था, गुड, वेरी गुड। और सारे बच्चों के लिए
जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने अपने जो उनके समय काम था उन्होंने किया, और इन सबके पीछे जो टीचर्स हैं टीचर का बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को थोड़े से शॉर्ट टाइम में और चीजें इनकम्प्लीट होते हुए भी उन्होंने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से सिखाया। तो आप सबका भी बड़ा शुक्रिया जो यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने इतना टाइम निकाला। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और सारे इस टीम के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब क्लैपिंग करें, सारे अपने आप के लिए भी, बिशन साहब के लिए, टीचर्स के लिए, सारे स्टाफ के लिए, मीडिया वाली टीम के साथ, नेशनल न्यूज नामा के लिए, और सिस्टर मोना के लिए, उनकी भाभी फरजाना के लिए, जो हमारे फरजाना के लिए, फायजा के लिए, और भी जो लोग मुख्तलिफ तरीके से छोटी छोटी सपोर्ट हमें करते हैं, वो छोटी नहीं है, हकीकत में वो बहुत बड़ी है। और किसी भी अंदाज में हमारे स्कूल को कुछ चीज देते हैं, डोनेट करते हैं, हमारे लिए इज्जत की बात है।